हेलो पेरेंट्स, स्माइल मॉम मेक इजी स्माइल। ये चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका और इस चैनल के द्वारा हम बात करते हैं माँ और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है गाय के दूध के बारे में। बच्चों को गाय का दूध देना कब स्टार्ट करना चाहिए, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद? 6 महीने से पहले अगर माँ के दूध में कमी आती है तो बच्चों को गाय का दूध देना सही है? गाय का दूध बच्चे को कितनी मात्रा में देना चाहिए और दूध देने के बाद अगर उसको गैसेस, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके बच्चे के लॉन्ग टर्म हेल्थ से जुड़ा है। बहुत बार शुरुआती दिनों में डिलीवरी होने के बाद माँ के दूध में कमी नहीं आती है, लेकिन जब कुछ महीनों के बाद माँ का दूध कम होने लगता है तो गाय का दूध देने के बारे में सोचा जाता है। बहुत बार घर के बड़े बुजुर्गों के कहने पे गाय का दूध बच्चे को दिया जाता है, ये सोच के कि वो पचने में हल्का है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। मैंने भी यही गलती की थी अपने बच्चे के साथ। जब वो 5.5 महीने का हो गया तो मैंने उसको गाय का दूध देना चालू कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा दस्त हो गए। वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, इतना बीमार हो गया कि उसने ब्रेस्ट मिल्क पीना तक भी बंद कर दिया। हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तब जाके पता चला कि गाय का दूध देने की वजह से उसका ये हाल हुआ था। तब मैंने कुछ डिस्कशन किया डॉक्टर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और रिसर्च किया और कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले 6 महीने में माँ का दूध ही एक बच्चे के लिए संपूर्ण पोषण होता है। उसे जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो माँ के दूध से ही पूरी हो जाती है। लेकिन सवाल तब आता है कि कुछ महीनों के बाद जब दूध कम होने लगता है तो क्या हम बच्चे को गाय का दूध दे सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके कुछ ज़रूरी कारण हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी। पहली चीज़ तो ये है कि गाय का दूध एक संपूर्ण आहार नहीं है। इसमें ज़रूरी मात्रा में विटामिन नहीं होते हैं। गाय के दूध में आयरन की मात्रा कम होती है, विटामिन सी की मात्रा कम होती है। विटामिन सी अपने शरीर के इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आयरन का शरीर में एब्जॉर्प्शन होने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है। तो इसकी वजह से अगर बाकी सब आहार में बच्चे को आयरन मिल रहा है तो भी विटामिन सी की कमी होने की वजह से शरीर में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके वजह से बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रंग पीला पड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होना और बहुत ज़्यादा देर तक सोते रहना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। गाय के दूध में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से किडनी पे प्रेशर पड़ता है। गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है उसकी सघनता ज़्यादा होने की वजह से बच्चे के इमैच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी प्रेशर पड़ जाता है। ये सब कारण की वजह से गाय का दूध बच्चे को मुख्य आहार की तौर पर 6 महीने से पहले या 6 महीने के बाद भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक जाहिर सवाल आता है कि 6 महीने से पहले अगर माँ का दूध कम हो जाए तो बच्चे को क्या दे सकते हैं? तो इसके लिए आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है और इसमें सारे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। इससे भी स्मार्ट सोच ये है कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के बारे में सोच सके। इसके लिए जो घरेलू इलाज है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शतावरी चूर्ण लेने से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। तो 6 महीने के बाद आप अपने बच्चे को ठोस आहार देना चालू करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स उसके एज से बढ़ जाते हैं। बच्चे को माँ के दूध से पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिलता है तो उसको रागी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप दूसरे खाने में मिला के थोड़ी मात्रा में गाय का दूध अपने बच्चे को दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपने खीर बनाई है तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में आप गाय का दूध मिला सकते हैं, ना कि मुख्य आहार के तौर पे। गाय के दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फैट सोल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B12 और मैग्नीशियम होता है। बच्चे की हड्डियाँ डेवलप होने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आजकल बच्चों को सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिलता है, तो इसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी गाय के दूध से बच्चे को मिल जाता है। तो गाय का दूध मुख्य पेय के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बाद ही आप अपने बच्चे को देना चालू कर देना चाहिए, और वो भी अपने बच्चे को गाय का दूध आप एक दिन में सिर्फ 350 ml से लेके 400 ml तक ही देना चाहिए। क्योंकि आप अगर ज़्यादा दूध देंगे तो बच्चे की जो ठोस आहार की भूख होती है वो कम होने के चांसेस है, जिसकी वजह से बच्चे में आयरन जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अब जब आप अपने बच्चे को गाय का दूध देना चालू कर देते हैं तो बहुत बार बच्चे में डाइजेशन के प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं, तो गाय का दूध बच्चा आसानी से पचा पाए इसके लिए शुरुआती दिनों में आप अपने बच्चे को जब गाय का दूध देते हैं तो उसमें समान हिस्से में पानी मिला के दे सकते हैं। 100% बॉइल्ड वाटर ही होना चाहिए। समान हिस्से में पानी और दूध मिला के आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, या फिर तीन भागों में ब्रेस्ट मिल्क और एक भाग में गाय का दूध, या तीन भागों में फॉर्मूला मिल्क और एक भाग में गाय का दूध, ऐसे करके भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, ताकि एक बार आपका बच्चा अच्छे से आसानी से गाय का दूध पचा पाए उसके बाद आप गाय के दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बच्चा दिन में 5 फीडिंग लेता है तो पहले एक फीडिंग, फिर 2 फीडिंग, ऐसे करके आप गाय का दूध बढ़ा सकते हैं। गैस और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगी। 5-6 मुनक्के लेके, किशमिश लेके आप 1 कप दूध में उसको अच्छे से उबाल आने दें, और उबाल आने के बाद उसे छन्नी से छान के वो पूरा ठंडा होने के बाद आप अपने बच्चे को देंगे तो उसको गैस या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को गाय का दूध 1 साल के बाद देना चालू करें, ताकि उसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो, उसको कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिले और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आज आपको दी है ये आपके बहुत ही काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके और उनको इनसे फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।